Pedagogy. One of the reasons why girls are not choosing STEM-related careers is also ascribed to pedagogy. Pedagogy ka matlab ye ki padhane ke tarike ko bhi is responsible karar diya ja raha hai ke ladkiyan science aur technology jaise subjects ko take up nahi kar rahi. आइए देखें कि पेडागॉजी में या टीचिंग लर्निंग में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से द गर्ल्स माइट बी डिसवेडेड या लड़कियां डिस्करेज होती हैं साइंस के करियर्स को टेकअप करने के लिए. एक है स्टीरियोटाइपिंग. सो टीचर्स के जहन में समहाउ ये बैठा हुआ है कि साइंस इज फॉर बॉयज एंड इट्स अ बॉयज सब्जेक्ट. सो आई हैव कम अक्रॉस सेवरल गर्ल्स माई सेल्फ जो कि मैथ की क्लास में ए लेवल की अच्छी बड़ी फैमिलीज की लड़कियां, उन्होंने ये कंप्लेन की है कि जब हम मैथ की क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर्स हमें कहते हैं कि तुम मैथ की क्लास में क्या कर रहे हो, तुम जाओ साइकोलॉजी पढ़ो, तुम जाओ सोशल साइंस पढ़ो, कहाँ पे आ गई हो तुम. तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है या स्टीरियोटाइपिंग से मुराद ये कि वो आइडियाज जो कि जेंडर रिलेटेड आपके जहन में बने हुए हैं और आप समझते हो कि यही रोल्स लड़कियों के हैं और यही चीज लड़कों के लिए है, वो चीज आपको क्योंकि क्लासरूम्स में भी नजर आती है और फिल्टर होती है वो आपके करिकुलम के अलावा आपके टीचर्स के पढ़ाने के तरीके से. क्योंकि ये परसेप्शंस जो होती हैं बाहर से आ रही होती हैं, लेकिन ये ख्याल करें कि ये जो परसेप्शंस हैं या जो टीचर्स हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट. तो जो भी बाहर लोग सोच रहे होते हैं वो क्लासरूम में जरूर इन्फिल्ट्रेट करता है. सो अगेन रिसर्च विल टेल यू दैट बॉयज आर कॉन्स्टेंटली रेटेड बेटर इन साइंटिफिक एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड कंसाइसनेस. लड़कियां अगर ये चीजें सारी कर भी लें तो वो टीचर जो है वो लड़कियों की नीटनेस और क्लीन कितना काम किया है और राइटिंग कितनी अच्छी है उसके ऊपर कमेंट करेगी. तो वो लिखेगी नीट वर्क. सो इट विल नॉट से एक्सीलेंट जॉब डन इन टर्म्स ऑफ कंसाइसनेस या ऑर्गेनाइजेशन. तो लड़कों का वही काम भले गंदा भी हो तो टीचर्स उसी चीज को लड़कों में ज्यादा अप्रिशिएट करेंगी और वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको साइंस के लिए या मैथमेटिक्स के लिए या इंजीनियरिंग के लिए चाहिए. फिर अ मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स हु ऑप्टेड आउट ऑफ साइंस, योर रिसर्च सेज दैट दे टॉक्ड अबाउट टीचर्स हु वर अनअप्रोचेबल, टीचर्स हु वर डिस्टेंट जो उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे, उनको ज्यादा लड़कों से इंगेज करते थे, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली ओवर यूजिंग कंपेटिटिव टेस्टिंग सिस्टम्स जो कि उनको इट स्टार्टेड टू गिव देम अ प्रॉब्लम बिकॉज लड़कियां बाय नेचर आर लेस कंपेटिटिव देन द बॉयज आर. सिमिलरली रिसर्च शोज दैट गर्ल्स आर जनरली रिसीविंग लेस अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स That is your science teachers than the boys. जब एक क्लास में टीचर क्वेश्चन आंसर करता है और लड़के और लड़कियां दोनों हाथ खड़ा करते हैं तो जो टीचर्स हैं दे somehow tend to prefer boys और वो लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं. एक और चीज सामने आई कि जो टीचर्स हैं आपके साइंस और मैथ के वो ज्यादा मेल टीचर्स हैं और जो फीमेल टीचर्स हैं वो ज्यादा लैंग्वेजेस में, इस्लामियात में वो सारे फीमेल होंगे, लेकिन आपके साइंस और मैथ में मेल टीचर्स हैं. और रिसर्च ये भी कहती है कि जब वेन एवर देर इज अ जेंडर डिफरेंस लाइक दैट इट माइट अफेक्ट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. सो वेन मेजॉरिटी फिर आपके होती है मेल स्टूडेंट्स की क्लास में, यानी अगर आप साइंस की क्लासरूम्स में जाएं या इफ यू गो टू द क्लासरूम्स वेयर मोस्ट ऑफ द वेयर यू हैव कैन ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स फॉर इंस्टेंस यू विल फाइंड दैट देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स. उसमें भी लड़कियों का जैसे हमने जिक्र किया एक चिली इन्वायरमेंट की बात की, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे बिकम अ टारगेट ऑफ सॉर्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं टारगेट ऑफ गेज, यानी उनको ऐसे महसूस होता है कि दे आर बींग एक्सपोज्ड. और ये ख्याल कीजिए कि ये वो टाइम है जो कि लड़कियों के लिए
एक बहुत क्योंकि उनकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही होती हैं तो द गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द फिजिकल चेंजेस इन देम देन द बॉयज. सो वी आर सेइंग ओवर हियर दैट साइंस पेडागॉजी द वे साइंस इज टॉट the way science is taught by the teachers through male teachers, the way more attention is paid to the boys than girls can reinforce girls' negative attitudes towards science. Aur jab unko piche se bhi koi wo nahi hoti, encouragement nahi hoti apne gharon se bhi aur encouragement nahi hoti apne teachers se, to it is very difficult for the girls to take up science subjects and then to survive them through the university classes jahan pe wo they again they feel face the same issues and then to take it up as a career. It's almost next to impossible.